इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इग्नू आईबीओ की सीरीज आईबीओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उन सब को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलवेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि मस्ट डू क्वेश्चन है जिनको आप स्किप ना करें और अच्छे से प्रिपेयर करें तो शोर्टली आपके अच्छे मार्क्स पेपर के अंदर आएंगे आप इजीली एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन की प्रिपरेशन से भी आप इजीली एमकॉम के इन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं आईबीओ फोर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन इसकी फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन की बहुत ज्यादा है जून 19, दिसंबर 18, जून 18, दिसंबर 17 एंड सो ऑन यहां पर इतनी ज्यादा टर्म्स में इसको रिपीट किया गया है शॉर्ट नोट्स और मेन फ्रेम क्वेश्चंस के अंदर सभी क्वेश्चंस के अंदर इसको रखा गया है शॉर्ट नोट्स जो फाइव मार्क्स ईच का क्वेश्चन होगा और जो डिटेल्ड क्वेश्चन होगा अगर वो पार्ट में दिया हुआ है तो टेन नंबर और फुल फ्लेज क्वेश्चन है तो ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या बनता है यहाँ पर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सपोर्ट इमोर्ट के अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड के अंदर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स का क्या रोल होता है क्या प्रोस्पेक्ट होते हैं जो भी उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में हमें पूरी डिटेल यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड जून 19, जून 18 एंड जून 12 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा पूछा गया। गया की तरफ हम move करेंगे। Third question, Customs clearance of exports cargo. इस question को भी काफी बार जून 15, जून 14, दिसंबर 16, 17, 18 ऑलमोस्ट हर टर्म के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स कार्गो देखिए यहां पर हमने मेन हेडिंग दी है क्वेश्चन आपको ये जो हमने आपको रेफरेंस दिया है इन रेफरेंस से आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के मैच कीजिए क्या फुल फ्लेज क्वेश्चन है उसको पढ़िए आपको इजीली समझ में आएगा कंसेप्ट यही है इन कंसेप्ट को आप या तो या तो इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़िए फिर इंटरनेट या जो भी आप रेफरेंस बुक लेते हैं इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले करिए जिससे कि आप गो थ्रू हो सके अपने सिलेबस से और सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं फोर्थ टॉपिक यहाँ पर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट कार्गो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे दिसंबर 14 दिसंबर

इलेवन से लेकर तक काफी बार almost 8 to 9 ये हुआ है है और और अभी भी भी बहुत ज़्यादा आप आप जरूर अदर के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सारी की सारी वीडियो देखें हमने आईबीओ सीरीज पर पूरी की पूरी एमकॉम आईबीओ सीरीज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपलोड कर दी है नाइन्थ यहां पर रेवोविकेबल एंड इबल एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट रेवोकेबल एंड इबल एलोसी से यहाँ पर क्या मीनिंग है June 18, June 17, June 11 के के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हर बार June टर्म में इसको पूछा गया। Tenth है यहाँ पर export documents. Export के अंदर क्या क्या इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट है, के लिए क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है किसी भी एक्सपोर्ट को करने के लिए जून 18, जून 17, दिसंबर 16, जून 15, दिसंबर 12 के अंदर इस क्वेश्चन को

यहां पर कंटेनराइजेशन देखिए कंटेनराइजेशन क्या है कंटेटेशन बिजनेस फाइनेंस में भी इसकी इंपोर्टेंस है कंटेनराइजेशन दिसंबर 15 दिसंबर 18 के अंदर इस क्वेश्चन को पेपर के अंदर दिया गया सिक्सटीन टॉपिक यहाँ पर पूछा शिपमेंट एक्सपोर्ट सिमिलर क्वेश्चन ही एक्सपोर्ट फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट दोनों से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ पर हम सेवनटीन के अंदर आप कुछ शोर्ट नोट्स ले रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शोर्ट नोट्स के अंदर ही आपसे पूछे गए हैं फर्स्ट यहाँ पर शोर्ट नोट बनता है लीनियर एंड ट्रैम्प शिपिंग सर्विसेज एंड शिपिंग सर्विसेज को काफी बार यहां पर रिपीट किया गया जून 19, 18, 17, 15, 13 इन सभी टर्म्स के अंदर इस क्वेश्चन की प्रेजेंस थी नेक्स्ट यहां पर बी पार्ट पे चलते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम यहां पर सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में पूछा गया कि क्या होती है सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सेल सर्टिफिकेशन स्कीम की क्या इंपोर्टेंस है और क्या रेलवेंस है वो सारा आपसे पर पूछा गया नोट्स फॉर्म में जून 19 दिसंबर 17 एंड जून 12 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शोर्ट नोट है यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ लैडिंग ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा ही इंपॉर्टेंस रखते हैं बिल ऑफ एंट्री यहाँ पर जून दिसंबर सेवनटीन जून सेवनटीन दिसंबर सिक्सटीन एंड जून फिफ्टीन के अंदर रिपीट हुआ है या पूछा गया है शिपिंग बिल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है यहाँ पर शिपिंग बिल शिपिंग बिल क्या होगा क्या होता है ये यह देखिए यहां पर सारा का सारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंटेशन की आपसे बात की गई है शिपिंग बिल क्या होगा जून 15 जून 18 एटीन जून 11 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है फ्री ऑन बोर्ड फ्री ऑन बोर्ड को भी या सीआईएफ कोस्ट देखिये ये क्वेश्चन हम किस में पढ़ते हैं कस्टम्स के अंदर ये वैल्यूज होती हैं है एफओबीआई की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं कस्टम्स एक्ट के अंदर आती हैं यहां पर आपको पूछा गया है फ्री ऑन बोर्ड एंड कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट की वैल्यू क्या होती है दिसंबर 15 जून 16 दिसंबर 14 एंड जून 11 के अंदर ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए फ्री ऑन बोर्ड एंड सी आई एफ से रिलेटेड फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आपसे पूछा गया लॉस सिंपली लॉस करके यहाँ पर पूछा गया दिसंबर फिफ्टीन एंड दिसंबर एटीन के अंदर नेक्स्ट हम मूव करते हैं शॉर्ट नोट की तरफ बिल ऑफ लेडिंग देखिए बिल ऑफ एंट्री आया था पहले और आप यहाँ पर बिल ऑफ लेडिंग भी आपसे पूछा गया दिसंबर दिसंबर 15 14 एंड 12 के अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है यहाँ पर वेंस वैल्यू नेटवर्क सर्विसेज इससे क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 13 एंड दिसंबर 16 के अंदर वेंस के बाद हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट पे चलते हैं डी ए डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स देखिए दोनों ही क्वेश्चन एक साथ भी पूछे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस पूछा जाएगा अलग या फिर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं या एक साथ भी पूछा जा सकता है वट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और वॉट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट्स एक्सेप्टेंस और पेमेंट्स में क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया जून सेवनटीन जून फिफ्टीन एंड जून फोर्टीन के अंदर ही ये क्वेश्चन आए हैं पेपर के अंदर नेक्स्ट यहां पर टॉपिक पे चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर एक्सपोर्ट इज रिस्की क्या एक्सपोर्ट रिस्की होता है यहां पर आपने कमेंट करना है इस स्टेटमेंट के ऊपर वेदर एक्सपोर्ट इज रिस्की जून 14 और दिसंबर 16 के अंदर इसकी प्रेजेंस रही है नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आईटीपीओ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यहां पर इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया है जून फिफ्टीन एट बी जून फोर्टीन एंड दिसंबर ट्वेल्व के अंदर आई इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट शॉर्ट नोट है प्री शिपमेंट और पैकिंग क्रेडिट प्री शिपमेंट या पैकिंग क्रेडिट से डीम्ड एक्सपोर्ट व्यू मीन बाय डीम्ड एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीम्ड एक्सपोर्ट जून फोर्टीन दिसंबर सेवनटीन एंड जून इलेवन के अंदर क्वेश्चन आया टैक्सेशन में भी इंपॉर्टेंस रखता है डीम्ड एक्सपोर्ट से आप क्या इंपोर्टेंस रखते हैं है. है है, 14, है. रखते है? जो कि कस्टम्स के अंदर हम इस टर्म बहुत ज्यादा यूज करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पेपर से रिलेटेड एक्सपोर्ट हाउसेज मीन बाई एक्सपोर्ट हाउसेज एक्सपोर्ट हाउस क्या होते हैं देखिए एक्सपोर्ट हाउसेस को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किए जाते हैं कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिसको हम एक्सपोर्ट हाउस बोलते हैं जून 14, जून 17 के अंदर ये क्वेश्चन आया है नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट फेरा फेमा सॉरी फेरा को रिप्लेस करके फेमा आ गया अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेमा से फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट

क्विक रिवीजन के लिए इन क्वेश्चन को करेंगे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट करिए थैंक यू